नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव आई सिनेमा आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक नई रोचक कहानी लेकर। यह कहानी रामायण से ली गई है, जो कि हमें यह सिखाती है कि हमें जब जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो हमारा चरित्र और हमारे कदम किस प्रकार से आगे बढ़ने चाहिए। रावण ने सीता का हरण कर लिया था, इसके बाद सीता की खोज करते करते श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिलते हैं। वनवास के दौरान हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव से मिलवाते हैं, क्योंकि सुग्रीव उस समय बहुत परेशानी से बीत रहे होते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। यही नहीं, उनके बड़े भाई बाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया था, जिसकी वजह से वह अत्यंत दुखी थे। सुग्रीव श्री राम के सामने मदद की आग्रह लगाते हैं और श्री राम भी कहते हैं कि आपको भी मुझे माता सीता को खोजने में मदद करनी पड़ेगी। इस प्रकार से श्री राम और सुग्रीव एक दूसरे की मदद करने का भरोसा दिलाते हैं। श्री राम बाली को मारकर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनवा देते हैं, जिसका सुग्रीव बहुत आभार मानते हैं, क्योंकि सुग्रीव को वर्षों बाद राज्य और स्त्री का संग मिला था तो वह पूरी तरह से राज्य और स्त्री सुख को भोगने में लग जाते हैं। कुछ ही समय बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर गुफा में निवास कर रहे रहते हैं। वर्षा ऋतु भी निकल जाती है, आसमान भी साफ हो जाता है, लेकिन सुग्रीव नहीं आते। भगवान राम उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं इस बात को लेके कि जब सुग्रीव आएंगे तो वह माता सीता की खोज में उनकी मदद करेंगे, लेकिन सुग्रीव तो पूरी तरह से राग रंग और उत्सव मनाने में डूब गए थे। सुग्रीव को यह याद भी नहीं था कि उन्होंने श्री राम से कोई वादा भी किया था। बहुत दिन बीत जाने के बाद श्री राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास भेजते हैं। जब लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचते हैं तो उसे रास रंग की अवस्था में देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस पर क्रोध करने लगते हैं। तब सुग्रीव को यह एहसास होता है कि विलासिता में आकर उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। सुग्रीव को अपने वचन भूलने और विलासिता में भटकने के लिए बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है, माफी भी मांगनी पड़ती है। दोस्तों, रामायण की ये छोटी सी कहानी हमें ये संदेश देती है कि जब हमें जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो तो हमें बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को उत्सव के रूप में नहीं मनाना चाहिए, अन्यथा हम एक बड़े लक्ष्य से भटक जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको कुछ संदेश देगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेंगे।